दुनिया के अंदर कुछ लोगों पर मुश्किलात आती हैं। जब कोई आदमी मुश्किल में होता है तो कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। शायद दुनिया में इतना सख्त गिर आदमी कोई ना हो, शायद दुनिया के अंदर इतना शकील कल्ब शख्स कोई ना हो कि जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे, जो किसी की तकलीफ़ का फ़ायदा उठाने लगे। जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, और बेच खाते हैं जो बुज़ुर्गों का कफन तुम हो। इकबाल कहने लगे, इतने भी सख्त लोग होते हैं जो मैयतों पे सौदे करें, और जो उस आलम में आकर जब लोग तकलीफ़ में हों तो वो इस तरह के असबाब पैदा करना शुरू कर दें कि थोड़ा सा दुनियावी नफ़ा लेने लगें। हमारे मुल्क के अंदर जब मसाइब आलाम परेशानियां घिर जाती हैं तो कुछ लोग ज़खीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। वो वक्त कि जब लोगों को ख़जानों के मुँह खोल देने चाहिए थे, जब लोगों को चाहिए था कि वो अपनी असल रकम भी, असल ज़र भी कोशिश करते कि वो लोगों के हवाले करें और तकलीफ़ और दुख के वक्त निकलें, उस मौके पर कुछ लोग ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं, मजबूरियां ख़रीदते हैं, तकलीफ़ों पर सौदेबाजी करते हैं। समझते हैं कि शायद आज सामने वाला तकलीफ़ में है तो मैं कभी तकलीफ़ में नहीं आऊँगा। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। दीगर ते दिन आया मुहम्मद, होर कड़ी नू डूब जाना है। ये वक्त बदलता रहता है, आजमाइशें आती हैं, तो ज़खीरा अंदोज़ी करना, कीमतें बढ़ाने के लिए माल को छुपा लेना, ज़रूरतमंदों के करीब चीज़ों को ना जाने देना। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़खीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है, लानती है वो शख्स जो ज़खीरा अंदोज़ी करे। सुनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है, फरमाया मलऊन है वो शख्स कि लोगों को ज़रूरत है और ये सिर्फ़ नफ़ा बढ़ाने के लिए ज़खीरा अंदोज़ी कर रहा है, अल्लाह से नहीं डरता। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत सारा माल वापस आया मदीने में, कुर्बो जवार में शदीद कहत का आलम था, खुश्की थी, बारिशें नहीं होती थीं, लोग तकलीफ़ में थे। तो आपके 10 से ज़्यादा ऊँट गल्ले के भरे हुए आए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब माल पहुँचा, लोगों को पता चला, तो वो जो ताजर थे जिनको पता था कि आजकल हम महंगी कीमत में ख़रीद कर डबल कीमत में भी बेच सकेंगे, वो पहुंच गए। कहने लगे कि सुना है आपका माल आ गया है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ ब्लैक में चीज़ें ख़रीद के फिर ब्लैक में बेचनी शुरू कर दी जाती हैं। ये वो लोग होते हैं जो बड़े सख्त गिर हो जाते हैं, जो अपने दिल से वो सारी चीज़ें दूर कर लेते हैं जहाँ इंसानियत जन्म लेती है, जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है, जहाँ इंसानों का दुख पाया जाता है। ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बहुत सारे ताजर आए और उन्होंने आकर के कहा कि सुना है आपका माल आया है, तो हम डबल कीमत में आपका माल ख़रीदना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे तो ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। हमने कहा तीन गुना ले लीजिए। फरमाया नहीं, मुझे तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है, चार गुना। हम माल नहीं देखते, आपके जितने ऊँट माल के भरे हुए आए हैं किसी इलाके से, तो आप चार गुना नफ़ा ले ले। तो उस्मान गनी फरमाने लगे, नहीं भाई, मुझे तो 10 गुना मिल रहा है और मुझे तो उम्मीद है 700 गुना भी मिलेगा। कहा जनाब, वो कौन सा आदमी होगा जो आपको 700 गुना, 10 गुना, इतना बड़ा नफ़ा हमारी बस में नहीं है। हज़रत उस्मान गनी से वो लोग कहने लगे, आप तो बड़ी दूर ही निकल गए हैं, अब तो लंबा हाथ मारने के चक्कर में है। नबी उस्मान गनी फरमाने लगे, तुम जाओ। लोग चले गए। शर्मो हया के इस पैकर ने, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के तरबियत याफ्ता इस ताजर ने, ये भी मालदार थे, इन्हें भी नफ़ा कमाना आता था, ये भी मार्केट में रहते थे, इनको भी पता था कि आज ही तो लोग उलझे हुए हैं, आज ही तो लोगों की मजबूरियाँ ख़रीदी जा सकती हैं। पर जनाब उस्मान गनी ने ऐलान फरमाया, जिन जिन गरीबों के पास गल्ला नहीं है वो आ जाए। उस्मान ने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं, लोग दौड़े आए। वो ख़ज़ाना लोग उठा उठा के ले जाने लगे तो ताजर आए, कहने लगे, उस्मान तुम तो कह रहे थे 10 गुना मिलता है और उम्मीद है 700 गुना तक भी मिलेगा, और यहाँ तुमने दरवाज़ा खोल दिया है गरीबों लाचारों के लिए। जनाब उस्मान गनी रो पड़े, फरमाने लगे, यही तो मेरी और तुम्हारी सोच में फ़र्क है। किसी इंसान की औकात नहीं कि वो 4 गुना से ज़्यादा दे सके, लेकिन मेरे रब का वादा है कि तुम मेरे रास्ते में 1 दोगे तो मैं तुम्हें 70 भी दूंगा, मैं तुम्हें 700 भी दूंगा। फरमाया, मैंने गरीबों पे इस नीयत से लौटाया है
कि ज़िंदगी में नफ़े बड़े कमाए हैं, पर अब जो नफ़ा लेना है वो बंदों से नहीं अपने रब करीम से लेना है। आप ज़खीरांदोज़ी कर रहे हैं, आप लोगों की मजबूरियों को ख़रीद रहे हैं। आओ पलट के आओ, सारी ज़िंदगी लोगों से तिजारत की, जब लोग मजबूर हों तकलीफ़ में हों तो फिर एक दफ़ा अपने रब से भी तिजारत करके देखो, अपने मालिक से भी तिजारत करके देखो। और जो रब से तिजारत करता है उसे फिर सिर्फ दुनिया का नफ़ा नहीं मिलता, अल्लाह उसे दीन, दुनिया और आखरत के नफ़े अता फ़रमाया करता है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फ़रमाए।